सिचुएशन है और टग ऑफ वॉर है उस पर अपना मौकिफ दिया। इसी वक्त इसी सेगमेंट में नाज़रीन हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं एतज़ाज़ एहसन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन लॉयर्स में से, सियासतदानों में से, सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियंस में शामिल होते हैं। एतज़ाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एतज़ाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। एतज़ाज़ साहब मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा, हम एक ऐसी बंद गली में पहुँच गए हैं जहाँ ना मुझे लग रहा है कि सियासतदान कुछ सीख सके हैं या कुछ बात करना चाहते हैं। हर बंदे की जबान से मैं ये सुन रही हूँ कि जी मुल्क का मफाद होना चाहिए, मुल्क के मफाद में हमने ये करना है, लेकिन मुल्क के मफाद में किसी को ये नज़र नहीं आ रहा कि आम आदमी एक वक्त की रोटी के लिए भी अब रुल गया। ये मईशत के हालात, आपकी इतना आपने इतनी मूवमेंट्स देखी हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल, ये हालात टू बी वेरी फ्रैंक मैंने तो नहीं देखे, अगर आपने पहले देखे हैं तो प्लीज़ डू कॉमेंट ऑन दिस। नहीं, ऐसे हालात तो वाकई नहीं देखे गए जिसमें एक लिहाज से मिसाल के तौर पे बोलचाल ही बंद हो। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बातचीत और डिस्कशन पे ही, हाथ मिलाने पे ही पाबंदी हो कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा किसी के साथ। और ये अगर प्राइम मिनिस्टर वक्त के प्राइम मिनिस्टर के जुबान से निकल रहा हो जुमला, तो ये इस किस्म की बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी ना देखी। इस किस्म की बात अगर होती हो सकती तो सबसे जो पहले और सबसे ज्यादा जिसको ये करना चाहिए था, जिसका हक बनता था, जिसको बिटर होने का भी हक बनता था, वो मुहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो थी। पर उन्होंने भी सियासत की और जो क्लियरली उनके वालिद के कत्ल में किसी ना किसी तरह मुलव्वस थे, प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक उस वक्त परवेज मुशर्रफ के दाएं हाथ के आदमी थे, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट भी ले लिया, वोट भी डाल दिए प्रेसिडेंट को। मैं उस वक्त खिलाफ था, इफ्तिखार गिलानी, राव रशीद और मैं हम खिलाफ थे, पर वोट हमने दिए। जब पार्टी का फैसला हो गया तो हम नवाबजादा नसरुल्ला को वोट देने के हक में थे। तो नवाबजादा नसरुल्ला साहब की भी जमात उस वक्त उस दिन हुकूमत में थी, कैबिनेट में थी, जिस दिन 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो शहीद को ये शहीद किया गया। तो पर इस कदर कभी नहीं आया कि मैं बात ही नहीं करूंगा। आज उन्होंने बात करने का इंडिया दिया है, बात कर सकता हूं और एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। पर आज दूसरी तरफ से राणा वो सनाउल्ला आ गया है। अब राणा सनाउल्ला का डॉक्ट्रिन जो है वो ये है कि सबको पकड़ो और गिरफ्तार करो और इनको वही सजा दो जो इन्होंने हमें दी है। हालांकि राणा सनाउल्ला या इमरान खान या नवाज शरीफ के किसी बंदे को या नवाज शरीफ के साथ पंजाब गवर्नमेंट कोई सख्त सलूक कर ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। उनका इतना इस पे असर अंदाज है, वो 30 साल से जो उन्होंने ASI जिसको लगाया था वो आज DPO बना बैठा है, तो वो उनकी तो बहुत पंजाब पुलिस पे उनके लिए तो नरमी है और जुडिशरी में भी इसी तरह उनके लिए नरमी है। और कि उन्होंने 6 सेनेटर्स को जो सेनेटर थे उनको अकोमोडेट किया रिटायरमेंट के बाद सेनेट में ले गए। एतज़ाज़ साहब एक बात बताइएगा, आपको लगता है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं या करना चाहते हैं क्या, मतलब हो क्या रहा है? सारा दिन यही मामला चलता रहा, गिरफ्तारी। अगर करना चाहते तो और उसका वक्त ही और होता है। गिरफ्तारी का वक्त होता है सुबह 3 बजे, अब तो उन्होंने छेड़ दिया छप्पे को, तो अब तो भेड़े जो है वो सुबह 6 बजे तक भी रहेंगी। पर मैंने गिरफ्तार किए थे कुछ लोग जो जिन्होंने लगा दिए थे बैनर और पोस्टर सारे इस्लामाबाद में कि शिया वाजिबुल कत्ल है, और उन पे बहुत उन पोस्टर्स पे बहुत सारी जवाब और हदीसें लिखी हुई थी
सो कॉल्ड हदीसें, मुझे नहीं पता वो हदीसें या वो, क्योंकि शिया सुन्नी का मसला हजूर की जिंदगी में तो हुआ ही नहीं था, और लेकिन वो पोस्टर लगवा दिए जी। एतजाज हसन साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि छत्ते को छेड़ दिया है, कोई अरेस्ट वरेस्ट करने का इनका प्लान नहीं है, मतलब दे डोंट वांट टू अरेस्ट हिम, सिर्फ एक 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 तरह से हवा बनाया जा रहा है। वो तो हवा तो बन गया, हवा तो उस दिन से बन गया है, इमरान खान बदकिस्मती से जिस दिन से पीडीएम ने और मुस्लिम लीग नवाज ने इससे इलेक्शन से फरार की का इंदिया दिया है, ये सब इलेक्शन से फरार है, क्योंकि आप देखें ना ये मुमकिन नहीं है, वैसे लीगली ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये के अगर इलेक्शन आप पोस्टपोन भी कर देते हैं फर्ज करें तो केयर टेकर तो 90 दिन के बाद नहीं चल सकते। लेकिन आपको लगता है कि ये पोस्टपोन करेंगे एतजाज हसन साहब, लास्ट कमेंट, आपको लगता है कि ये कहते हैं कि हाँ पोस्टपोन कर दो ज्यादा से ज्यादा हम ये लगता ये है कि पीपल्स पार्टी के अलावा, पीपल्स पार्टी एक पार्टी है जिसने कहा है कि हम हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे और तैयार हैं, ये पीपल्स पार्टी के अलावा भी बाकी सब तो इमरान खान को हवा बना के और इससे घबराए हुए हैं। अब ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये डिले हो और हर हीना बहाना निकाले। याद करें कि इन्होंने राणा मुख्तार ने और फिर मरियम ने बार बार कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि तुम दो इलेक्शन, दो असेंबलियां ये पोस्टपोन तो करो जी, हम इलेक्शन करा देंगे और हम इलेक्शन करा देंगे। बिल्कुल, उस वक्त ये सोचते थे कि ये नहीं करेगा और ये इसको हम, बाद में इन्होंने ये कर दिया कि जी अब इलेक्शन होने लगे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये इलेक्शन से भागते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब हमसे गुफ्तगू करने का। एतजाज हसन